हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करने जा रहे हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को आप देखने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आज ये बहुत सारी ब्लेसिंग पाए, आशीष पाए, इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां होने पाए। आज हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इनकी रक्षा करेंगे, इनको देखेंगे और सुनेंगे, और इनकी प्रार्थना को पिता परमेश्वर आज सुनेंगे, इन्हें उत्तर देंगे, जवाब देंगे पिता परमेश्वर। आज आपके जीवन में, आज अपने बच्चों के जीवन में, अपने घर में लेकर के दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं कि जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, आज इनके जीवन में हर एक घटी और कमी को विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर स्थिर रखें। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण अध्याय 11 और नंबर 28 में लिखा है, तो परमेश्वर वचन यहाँ पे क्या कहता है, सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों को रख देता हूँ। हालेलुया, तो यहाँ पे परमेश्वर आज हमें देना चाहता है, आशीष भी देना चाहता है और शाप भी देना चाहता है। आज हमें क्या चुनना है, क्या आज हम लेना है, आज हमें आशीष चाहिए, आज सुंदर सुबह के लिए हमें बरकत चाहिए, आज हमारे घरों में जो हम काम करना चाहते हैं, जो हम काम के लिए बाहर जाना चाहते हैं या कुछ अपने घर में करना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको उसमें मदद करेगा और सहायता करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर भी आशीष होगी। हालेलुया, तो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, विश्वास के द्वारा और भरोसा के साथ परमेश्वर से विनती करते हैं, दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उसमें हमारी आशीष देता है, हमें बरकत देता है। हालेलुया, इसीलिए मैं प्यों, यदि आज हम अपने जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने बच्चों को लेकर के, लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं कि हमारे बच्चे आज जो हैं मुझे लग रहा है कि ये अच्छे रास्ते पे नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से, आपको भी, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके बिजनेस के, आपके कामों में, हर आपके घरों में, हर एक चीज में आपको बरकत, वो आशीष देना चाहता है। इसीलिए मैं प्यों, ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमें तरोताजा हमेशा रखेगा। हमें विश्वास है, भरोसा है कि परमेश्वर हमारी हर प्रकार की प्रार्थनाओं को उत्तर देगा और जवाब देगा, हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। इसलिए हम जब देखते हैं निर्मल पुस्तक का अध्याय 20 और वचन नंबर यहाँ पे 5 में लिखा है, तब परमेश्वर ने यह सब वचन हमारे लिए कहे कि कहा कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर तक यानी अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। यदि आज हम किसी चीज में फंसे हैं, किसी काम में फंसे हैं, तो परमेश्वर हमें भी निकालेगा, हमें भी हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर हमें आगे निकालेगा, हर प्रकार की बीमारियों से हमें परमेश्वर निकालेगा, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुखित मन वालों को परमेश्वर आज चंगा करेगा। आज उनके मन उदास हो चुके हैं, काम को लेकर के, जॉब को लेकर के, नौकरी को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, आपका कोई कार्य अभी बंद पड़ा है या आपकी किसी प्रकार का केस चल रहा है, उसमें परमेश्वर आपको हर प्रकार से आपकी मदद करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तू मुझे छोड़ करके दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया, तो आज यदि हम विश्वास रखते हैं एक प्रभु यीशु मसीह पर कि परमेश्वर हम तुझे छोड़ करके और किसी परमेश्वर या किसी भगवान को या किसी भी ईश्वर को नहीं जानते हैं, क्योंकि तू ही हमारा सच्चा खुदा है, तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष देगा और बरकत देगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद करके ना बनाना, ना किसी भी किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में एवं पृथ्वी पर या फिर पृथ्वी के जल में कहीं पर भी हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार की हमें मूर्ति खोद करके बनाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी प्रकार की मूर्ति के सामने दंडवत करने की आवश्यकता है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारे मन को देखता है, वो हमारे मन को जांचता है। इसीलिए मेरे प्रियो, यदि आज हमारे जीवन में बहुत ज्यादा हम हताश है, निराश है, परेशान है बहुत सारी चीजों को लेकर के, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज जाए, तेरा जो स्वर्ग में जैसी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारी दिन भर की रोटी हमें आज दिया कर। हालेलुया, तो प्रभु हमारे जीवन में हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखता है, हमारी इच्छा परमेश्वर जानता है, और हमारी नहीं, परमेश्वर की जो इच्छा है जो स्वर्ग में है जैसे पूरी होती वैसे पृथ्वी पर यदि पूरी होने लगी हमारे मसीह भाई बहनों के द्वारा, सभी के द्वारा, तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। इसीलिए हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे बच्चों को और हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी वो संभालता है, और हमारे हर प्रकार के अपराधों को, हर प्रकार के गुनाहों को परमेश्वर क्या करता है, क्षमा करता है, परंतु बुराई से हमें बचाता है। हालेलुया,
इसीलिए मेरे प्रभु प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। प्रभु आज आपने बच्चों को अपने हर प्रकार के जो आज मसीह भाई बहन के जीवन के हर प्रकार की समस्याओं को हर प्रकार की बीमारियों को प्रभु आपने ठीक किया। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज जो बच्चे आपके बेटे और बेटियां इसमें परेशान हैं, हताश है, जिनके जीवन में आज बहुत ज्यादा निराशा है, आज जिनका मन बहुत दुखित है, प्रभु आज उनके जीवन को ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की मुसीबत से, प्रभु उनके जीवन में जो आज खुशियां नहीं है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में उन्हें आनंदित कर। उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनके बच्चों को बहुत ज्यादा ब्लेसिंग कर, आशीष दे। आज जिनके काम धंधे बंद पड़े यीशु मसीह के नाम से वो चलने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय अपने आप को ये महसूस करते हैं कि प्रभु हमने अपने जीवन में बहुत सारे गलत कार्य किए, लेकिन हम आज आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याएं हैं, जो बीमारियां, जो दुख है यीशु मसीह के नाम से वो सबको दूर ने पाए पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। हम विनती करते हैं परमेश्वर, आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा इनके घरों से निकलने पाए, इनके शरीर से निकलने पाए, इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जो आज इनके घरों में है, जो इनके बच्चों के जीवन में है, जो आज इनके हर प्रकार की समस्याओं में आज जो ग्रसित है पिता परमेश्वर, जो अनेक प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियों से आज वो ग्रसित है, उनके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपके वचन में वो विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में उन्हें चंगाई मिलेगी, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें छुटकारा मिलेगा, उनके हर प्रकार के कामों में आप उनकी सहायता करेंगे, आप उनकी मदद करेंगे यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हम मेरे प्रिय भाइयों, आप आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट आपके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो बच्चे, आपके बेटे और बेटे इसमें प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर, जो आज प्रार्थना को रिसीव करते हैं, सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनके घरों में हर प्रकार की जो घटी और कमी है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पूरा होने पाए पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर आज इनके जीवन में हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुखों को पिता परमेश्वर इनके जीवन से ब्लेसिंग होने पाए, इनके जीवन में आशीष आने पाए, इनके जीवन में बरकत आने पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। जो आज आपकी बेटी है पिता परमेश्वर, जो आप प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके बच्चों को ज्यादा ब्लेसिंग करें, आशीष दें, उनके हर प्रकार की चीजों में परमेश्वर उनके आपकी सहायता करें, आप मदद करें पिता परमेश्वर, के आपके जो बच्चे हैं इस समय ज्यादा मायूस हो चुके हैं, बहुत सारी चिंताओं में पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं मेरे मसीह भाई बहन, उनके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते कि प्रभु ने रास्ता दिखा, उन्हें मार्ग दिखा, क्योंकि आप ही कहते हैं कि मैं सत्य और मार्ग और जीवन में ही हूं। तो प्रभु आपकी प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले, उनके घरों में बरकत मिले, आज उनके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे, उनके हर प्रकार के काम काजों में पिता परमेश्वर आपकी मदद करे, सहायता करे। आज जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा आशीष मिलने पाए, बहुत सारी बरकतें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है पिता परमेश्वर, जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर उनके जीवन से वो हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार के अंदरूनी पिता परमेश्वर बीमारियां हैं, समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आप प्रार्थना को रिसीव करें, आपके जीवन में बहुत सारी बरकत और आशीष आने वाली है, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आज आपके बच्चों के जीवन से, आज आपके घरों से, आज आपके बिजनेस से, आज आपके खेत खलिहानों से, आपके कामों से, आपके हर प्रकार के छोटे से बड़े से बिजनेस से लेकर के परमेश्वर आज आपके जीवन में जो समस्याएं हैं यीशु मसीह के नाम से वो सबको दूर करने जा रहा है पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके घरों से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं परमेश्वर। आज इनके बच्चों के जीवन में जो ब्लेसिंग चाहिए, जो आशीष चाहिए, जो इनके घरों में आज जो रुकावटें हैं, जिनके घरों में आज अनेक प्रकार के बंधन है, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के द्वारा पिता परमेश्वर इनके जीवन में इन्हें ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे, इनके हर प्रकार की समस्याओं में आप परमेश्वर इनकी मदद करें, सहायता करें। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां
बॉक्स के माध्यम से बताते हैं, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। जो कॉल सेंटर के माध्यम से बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में ब्लेसिंग करे, आशीष दे। और जो दान देते हैं पिता परमेश्वर, उसके जीवन में बहुत सारी बरकतें और आशीष दे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज आपके बच्चों के जीवन से वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां, जो चिंताएं हैं, वो सबको दूर होने जाए। आपके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग परमेश्वर देने जा रहा है। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें और अंतिम आज्ञा दें कि प्रभु आज आपके जीवन में आपको ढेर सारी खुशियां दें, ढेर सारा प्यार यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आप यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज उनके बच्चों को आप सुरक्षित रखने पाए, उनके घरों में बरकत आने पाए, उनके काम में पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आने पाए, आशीष आने पाए। अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। अपने घर के लिए एक दूसरे के हाथ पकड़ करके प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें कि प्रभु आज मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है पिता परमेश्वर, उसे दूर करें। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं कि जो मेरे घर में है, जो मेरे बेटी के जीवन में, जो मेरे बेटे के जीवन में है, जो मेरे काम में है, जो मेरे काम को आगे नहीं बढ़ने देता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके जीवन में ब्लेसिंग देने पाए, उन्हें आशीष देने पाए, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने पाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर, दूर हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके घरों से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन से निकल नहीं पाए, वो हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की बुरी आत्मा जो है, गूंगी, बहरी, लंगड़ी, जो भी किसी प्रकार की है, आज वो अंधकार की शक्तियां इनके जीवन में प्रबल ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, इनके जीवन से दूर हो, निकल इसी वक्त अपने जीवन से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग अपने बच्चों के जीवन को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, निकल यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार की जो आज इनके जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज आपने हम सभी पापियों को बचाया है, हम सभी मसीह भाई बहनों को आपने आशीष दी, बरकत दी पिता परमेश्वर, उसके लिए आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आज आपके जीवन से निकलने पाए। यदि आज किसी मसीह भाई बहनी के जीवन में बहुत ज्यादा बीमारी है, परेशान, हताश, निराश है, तो अपने हाथों में पानी को लीजिए इस मसीह के नाम से, एक गिलास पानी लीजिए। आज आपके जीवन की वो हर प्रकार की समस्याएं जो अंदरूनी आपके जीवन में, जो मेरे बहने हैं उनके जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, तो हम उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके जीवन से, इनके शरीर से इसी वक्त पिता परमेश्वर, जब ये प्रार्थना कर चुकेंगे पिता परमेश्वर, और इन जीवन में अपने जब प्रार्थना करने के बाद पिता परमेश्वर पानी को पिएंगे, इनके जीवन में जो अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, वो सबको दूर होने पाए। जो अंदरूनी पिता परमेश्वर बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं पिता परमेश्वर उनके जीवन में, चाहे उनके सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, अनेक प्रकार की समस्याओं में, बॉडी के किसी भी इससे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज दर्द है वो निकल नहीं पाए, वो समस्याएं, वो दुख, अनेक प्रकार की परेशानियां इनके जीवन से निकल नहीं पाए, इनके बच्चों के जीवन से निकल नहीं पाए, इनके घरों से निकल नहीं पाए, इनके हर प्रकार की शारीरिक जो क्षमताएं नहीं है पिता परमेश्वर, आज वो प्रार्थना करते, विनती करते, दुआ करते, इन्हें बलवंत बना बन पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते कि प्रभु आज इनके जीवन को ब्लेसिंग करे, आशीष दे पिता परमेश्वर। इनके बच्चों के लिए हम आज्ञा देते कि वो हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाड़ियों को आपने दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना कि प्रभु आज आपके जीवन में वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर दिया है, तो आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। जो आपने पानी लिया था उस पानी को आप पीजिए, और जो व्यक्ति बीमार है उसको पिलाइए यीशु मसीह के नाम से, उसके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां वो दूर होंगी। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो दान देना चाहते हैं, जो दान को बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। प्रभु आपके आपके परिवार में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आशीष देगा। आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर जो विनती और प्रार्थना की, वो सब कुछ प्रभु ने ठीक कर दिया है यीशु मसीह के नाम से, आमीन।